गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को दसवीं कक्षा के संस्कृत व्याकरण में अनियर प्रत्यय का कुछ और उदाहरण लिखाने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं अनियर प्रत्यय का मैं कुछ उदाहरण पहले लिखा दिया हूँ, अभी देखिए अनियर प्रत्यय। इसमें धातुओं के उदाहरण, धातु है, प्रत्यय है, पुल्लिंग रूप है, स्त्रीलिंग रूप है और नपुंसक लिंग है। यहाँ आप देख रहे हैं निंद धातु है जिसका अर्थ होता है निंदा करना, इसमें अनियर प्रत्यय लगाया गया है तो पुल्लिंग में इसका रूप बना है निंदनीय, स्त्रीलिंग में निंदनीय, नपुंसक लिंग में निंदनीयम। उसके बाद नी धातु है जिसका अर्थ होता है ले जाना, इसमें हम अनियर प्रत्यय लगाए हैं तो पुल्लिंग में इसका रूप बना है नयनीय, स्त्रीलिंग में नयनिया और नपुंसक लिंग में नयनियम। उसी तरह से आप देख रहे हैं नृत्य धातु जिसका अर्थ होता है नाचना, इसमें अनियर प्रत्यय लगाया गया है तो पुल्लिंग में इसका रूप बना है नर्तनीय, स्त्रीलिंग में नर्तनिया और नपुंसक लिंग में नर्तनियम। उसके बाद यहाँ पच धातु है जिसका अर्थ होता है पकाना, इसमें अनियर प्रत्यय लगाया गया है तो पुल्लिंग में इसका रूप बना है पचनीय, स्त्रीलिंग में पचनिया, नपुंसक लिंग में पचनियम। उसके बाद पठ धातु है जिसका अर्थ होता है पढ़ना, इसमें अनियर प्रत्यय लगाया गया है तो पुल्लिंग में इसका रूप बना है पठनीय, स्त्रीलिंग में पठनिया और नपुंसक लिंग में पठनियम। उसके बाद पत धातु जिसका अर्थ होता है गिरना, इसमें अनियर प्रत्यय लगाया गया है पुल्लिंग में इसका रूप बना है पतनिया, स्त्रीलिंग में पतनिया और नपुंसक लिंग में पतनियम। पा धातु जिसका अर्थ होता है पीना, इसमें अनियर प्रत्यय लगाया गया है तो पुल्लिंग में इसका रूप बना है पानिया, स्त्रीलिंग में पानिया और नपुंसक लिंग में पानियम। उसके बाद पाद धातु है जिसका अर्थ होता है रक्षा करना, इसमें अनियर प्रत्यय लगाया गया है पुल्लिंग में इसका रूप बना है पालनिया, स्त्रीलिंग में पालनिया और नपुंसक लिंग में पालनियम। उसके बाद देख रहे हैं आप पीड़ धातु जिसका अर्थ होता है पीड़ा देना, इसमें अनियर प्रत्यय लगाया गया है पुल्लिंग में इसका रूप बना है पीड़निया, स्त्रीलिंग में पीड़निया, नपुंसक लिंग में पीड़नियम। उसके बाद है पूज धातु जिसका अर्थ होता है पूजना, इसमें अनियर प्रत्यय लगाया गया है तो पुल्लिंग में इसका रूप बना है पूजनीय, स्त्रीलिंग में पूजनीय, नपुंसक लिंग में पूजनीयम। उसके बाद प्रच्छ धातु है जिसका अर्थ होता है पूछना, इसमें अनियर प्रत्यय लगाया गया है पुल्लिंग में इसका रूप बना है प्रच्छनीय, स्त्रीलिंग में प्रच्छनीय और नपुंसक लिंग में प्रच्छनीय, प्रच्छनीयम। उसके बाद फल धातु है जिसका अर्थ होता है फलना, इसमें अनियर प्रत्यय लगाया गया है पुल्लिंग में इसका रूप बना है फलनियम, स्त्रीलिंग में फलनिया और नपुंसक लिंग में फलनियम। उसके बाद बोध धातु है जिसका अर्थ होता है जागना, इसमें जब हम अनियर प्रत्यय लगाए हैं तो पुल्लिंग में इसका रूप बना है बोधनीय, स्त्रीलिंग में बोधनिया, नपुंसक लिंग में बोधनियम। उसके बाद है गुरु धातु जिसका अर्थ होता है कहना, इसमें हम अनियर प्रत्यय लगाए हैं तो पुल्लिंग में इसका रूप बना है वचनीय, स्त्रीलिंग में वचनीय और नपुंसक लिंग में वचनियम। इस प्रकार आप अनियर प्रत्यय के उदाहरण देखें, इसके कुछ और उदाहरण मैं अगली कक्षा में लिखाऊंगा।